माय नेम इज संजय शर्मा, नवभारती पीटी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग दो में आज का जो टॉपिक है वो ज्ञान के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग ए का आप लोगों ने प्रथम वर्ष में पढ़ा, उसी का ही मैं आगे से विस्तार से इसमें अध्ययन करने जा रही हूँ। जैसा आप लोगों को पता था कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग एक में भी आपने 3 यूनिट्स थी, इसमें भी आपके ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग में 3 यूनिट है, जिसमें प्रथम यूनिट में है आपके ज्ञान, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के प्रकार, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के क्षेत्र। और सेकेंड यूनिट जो आपकी है उसमें है हमारा पाठ्यक्रम समूह, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर, किस तरीके का, कैसा होना चाहिए, ये सेकंड यूनिट में बताया गया है। और जो थर्ड यूनिट है हमारी, वो है हमारी शिक्षण, यानी कि हमारे महाविद्यालय के मैनेजमेंट से, जिसमें कि हमारे सभी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय के बारे में है उसका हमारा मैनेजमेंट पूरा, उसमें उससे विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। जो मैंने आज हमारा टॉपिक लिया है वो है हमारा ज्ञान, जिसमें कि ज्ञान में मैं आपको आज सब की ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होना कैसा चाहिए, ज्ञान की परिभाषा क्या है, जो अनेक विद्वानों ने जो ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं उससे मैं आज आपको परिचित कराऊंगी। तो प्रथम है हमारा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ सामान्य शब्द में हम ज्ञान को कहते क्या है, ज्ञान होता है हमारा जानना। जब भी हमारे दिमाग में जागरूकता पैदा करती है हमें एक तरह से ज्ञान पैदा होने की संभावना रहती है, हमें लगता है कि हमें ज्ञान के बारे में, ज्ञान हमें किसी भी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा करता है। अर्थात ज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। वैसे हम देखें तो ज्ञान जो शब्द है, ज्ञान शब्द गैर धातु से धातु से मिलकर बना है। गैर धातु का अर्थ होता है जानना या समझना। अर्थात ज्ञान वह होता है जब हमें किसी वस्तु के बारे में जानना और समझने की इच्छा होती है और हम उसके बारे में पूर्ण जानकारी व्यक्त करते हैं। अब देखा गया है कि ज्ञान भी कई तरीके का होता है। हम देखते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान आध्यात्मिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक, भौतिक, ज्ञान आध्यात्मिक और भौतिक दोनों है। आध्यात्मिक ज्ञान को हम कहें तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारा विशिष्ट ज्ञान की श्रेणी में आता है, विशिष्ट ज्ञान की श्रेणी में आता है। भौतिक ज्ञान है हमारे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। हम आध्यात्मिक ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान भी कह सकते हैं और भौतिक ज्ञान को हम सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं। जो कहा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान है वह हमारी आत्मा से संबंधित है, अर्थात हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहा जाए तो हम जो भक्ति करते हैं, जो हमारी आस्था है, जो हमारी आत्मा से संबंधित है, वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर एक शब्द में हम कहें तो जो इस लोक का न होके परलोक का जो ज्ञान होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। दूसरा भौतिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान, जो हमारे आसपास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे भौतिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। जिस भी तरीके से हम कहें कि आज हम ये कहना चाहें भौतिक ज्ञान संबंधित, जो हमारे मौसम की जानकारी होती है कि हमारे आसपास या किस क्षेत्र में कहाँ कितनी बारिश होने वाली है या बारिश कब होने वाली है, या हम कहें कि हमारे जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, एक सिंपल इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमारे बीच में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, हमने ध्यान दिया नहीं उस पर और हम चले, उसी से हम ठोकर खाकर नीचे गिर पड़े, जो उस घटना से हमें ज्ञान प्राप्त हो वो क्या हुआ कि जब भी हम रास्ते में जाएं तो देखकर चलें, जिससे कि हम दोबारा उससे दुर्घटित ना हो। तो इसीलिए इसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। ये एक हमारा सामान्य ज्ञान होता है जो कि हम हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये दो ज्ञान हो गए, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। अब दूसरा, अगर हम ज्ञान को देखना चाहें तो हम ज्ञान को जो आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद है, मनोविज्ञान है, इन्होंने भी अपने अलग अलग
ज्ञान या परलौकिक ज्ञान, और इसी ज्ञान में, इसी आदर्शवाद में यहां पर शिक्षक प्रधान, जो हमारी शिक्षा थी वो शिक्षक प्रधान थी, शिक्षक प्रधान थी। अर्थात आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोपरि माना गया था कि जो शिक्षक कहें वही बालक को करना चाहिए, उसी के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम, हमारा ज्ञान देना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि आदर्शवाद का जो आदर्श था वो था परलौकिक ज्ञान, कि हम दूसरा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। और इसमें सबसे चीज हम देखें तो यह है एक शिक्षक प्रधान था, यानी कि शिक्षक ही इसमें सर्वोपरि होता था। दूसरा है हमारा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। इसमें जो हमारा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद में आज जो हम नई नई टेक्निक जो हम अपना रहे हैं शिक्षा में, ज्ञान में, वो हमारा यानी कि आज के युग का जो ज्ञान है हमारा, वो हमारे धीरे धीरे प्रकृतिवाद से शुरू हुआ और फिर हमने यहाँ पर प्रयोजनवाद में अपनाया। आज जो प्रयोजनवाद में हमने ज्ञान के लिए अनेक विधियों का, अनेक अनेक विधियां जो है हम यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, नई नई विधियों का विकास हो रहा है और उसी के माध्यम से हम अपना प्रयोग करते जाते हैं अर्थात यहाँ पर। और दूसरी चीज है ज्ञान का पूरा परिवर्तन हमारा प्रयोजनवाद में हो गया, जिससे कि हमने जो भी कार्य कर रहे हैं हम प्रयोग करके कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आदर्शवाद में शिक्षक प्रधान था, लेकिन आज जो हमारे प्रयोजनवाद में है, यहाँ पर हमारी जो शिक्षा है या ज्ञान है वह बाल केंद्रित हो चुका, बाल केंद्रित ज्ञान है, जिसमें कि हमें पूरा जो हमारा सब कुछ है वो हम विद्यार्थी को देखते हुए ही हमारी परियोजना बनाते हैं। इस प्रयोजनवाद में जो हमने विधियां अपनाई, समस्या समाधान हुई, प्रोजेक्ट विधियां हुई, ये सब विधियां हमें क्यों अपनाई गई, क्योंकि उसमें बालक का खुद का स्थान होता है, बालक स्वयं करके सीखता है और वो उसकी जो समस्याएं होती है वो अपने शिक्षक को बताता है और शिक्षक उसी समस्या को बालक के को दूर करता है। यानी कि आज के टाइम पे जो ज्ञान है वो बालक की मनोस्थिति को देखते हुए, मानसिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ज्ञान बनाया गया है। उसी ज्ञान के आधार पर हम अपने पाठ्यक्रमों का विभाजन करते हैं। और जहां मनोविज्ञान का कहा जाए, मनोविज्ञान का कहा जाए तो मनोविज्ञान के लिए कह सकते हैं कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो गुणों का विकास कर सके, ज्ञान गुणों का विकास कर सके। अर्थात हमने देखा है कि मानव का नेचर होता है, मनुष्य का नेचर होता है कि हमेशा वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे या उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे मनोविज्ञान में आता है, मन में। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, हमने शुरू में कैसा किया उसको हम एनालिसिस करते हैं, तो हम उस कार्य को किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम अपने गुणों में विकास करते चले जाएंगे। तो ये एक मनुष्य का स्वभाव होता है। तो ज्ञान में हमेशा मनुष्य का नेचर उसमें सम्मिलित होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान मानसिक योग्यता होती है, ज्ञान है वह मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता कब बनेगी, जब मनुष्य स्वयं उस चीज के बारे में सोचेगा। तो मैंने जो अभी आपको बताया कि ज्ञान क्या होता है, जानना या समझना, ज्ञान को मैंने तीन जो आपकी परिभाषाएं क्या बताया गया इसमें कि ज्ञान आध्यात्मिक और विशिष्ट ज्ञान होता है, उसी के आधार पर मैंने आपके तीनों आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के आधार पर मैंने आपको इसकी थोड़ी परिभाषा समझाने की कोशिश की। आगे मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगी आपको कि इन्हीं ज्ञान के आधार पर, इसी ज्ञान में अलग अलग जो परिभाषाएं इन्होंने, वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने दी है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे प्रथम जो हमारी परिभाषा है वो है सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार, जैसा कि तय सुकरात जी ने कहा है कि इन्होंने कहा है कि ज्ञान वह शक्ति है, ज्ञान वह शक्ति है जिससे हम कार्य कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान में ही शक्ति निहित होती है। कहा जाता है कि जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है हम उस कार्य को नहीं कर सकते, यानी कि इंसान में पावर उसी टाइम पे आएगा जिस चीज की हमें जानकार,
जानकारी होगी। अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम उस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अर्थात ज्ञान हमारी शक्ति होती है और बिना शक्ति के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दूसरी है हमारी जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने कहा है कि ज्ञान अनुभव की सतत पुनर्रचना है। अर्थात कहा जाता है कि जब हम अनुभव ग्रहण करते हैं उसी के बाद में हम दोबारा उनको हमारे जीवन में प्रयोग में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, हम जब भी किसी चीज की तैयारी करते हैं, अगर उस चीज में पास नहीं होते, सफलता हासिल नहीं करते हैं, तो हम जो अनुभव किसी और से लिए हो या जो सफलता हासिल कर ली, जब हम उस मनुष्य से मिलेंगे या उस व्यक्ति से मिलेंगे तब उसके अनुभव को लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम अपने आप से हमने जो कार्य किया उससे हम एनालिस करेंगे कि हमारे अनुभव में और जो व्यक्ति सफल हो चुका है उसके अनुभव में क्या अंतर है, और उसी अनुभव के आधार पर हम पुनः उन अनुभवों की उस ज्ञान की सतत पुनर्संरचना करते हैं। यानी कि हम उसे दोबारा प्रयोग में लेने की कोशिश करते हैं कि हमारे आखिर कमी क्या रह गई कि हमारा वो कार्य पूरा नहीं हुआ। तो जॉन ड्यूवी ने कहा है कि ज्ञान अनुभव की सतत पुनर्रचना होती है। इसी तरह से जॉन लॉक ने कहा है कि ज्ञान मानसिक योग्यता व बुद्धि में विद्यमान होता है। यानी कि इन्होंने ज्ञान को एक मानसिक योग्यता बताई है, और जहां तक देखें तो ये मानसिक योग्यता ही होती है। हम चाहे कि अगर प्रथम क्लास के बच्चे को हम फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड से हम पढ़ा सके तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जो विद्यार्थी की जो मानसिक योग्यता होती है वो अपनी एक एज के अकॉर्डिंग होती है और उसी के आधार पर देखते हुए उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो इसी तरीके से जो ज्ञान होता है वो हमारी मानसिक योग्यता पर आधारित होता है कि हम किस तरीके से उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं या हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहा है, सुकरात जी ने कहा कि ज्ञान शक्ति है, जॉन ड्यूवी ने कहा ज्ञान अनुभव है, और जॉन लॉक ने कहा कि ज्ञान एक मानसिक योग्यता और बुद्धि है। और बौद्ध दर्शन में अर्थात दार्शनिक जो है दर्शन शास्त्र में, उसमें कहा गया है कि ज्ञान सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। अर्थात कहा जाता है कि ज्ञान हमारे समय, वैसे भी हम कहते हैं कि ज्ञान हमें संतुष्टि प्रदान करता है। हम जब भी किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जब हमें पूर्ण तरीके से उसकी जानकारी होगी तो हमारे मन को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यही चीज बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो हम सांसारिक दुखों से हमारा उसका छुटकारा मिल जाता है कि किस तरीके से हमें उन दुखों का निवारण करना है। तो ये हमारी जो ज्ञान की परिभाषा थी, विभिन्न विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन रखी थी। अब देखते हैं हम आगे कि हम देखें कि ज्ञान जो होता है वो आखिर होता क्या है, किस बात पर टिका हुआ होता है, कि हमें ज्ञान किस तरीके से लेना चाहिए, या ज्ञान को एक कहते हैं हम ज्ञान किस आधार पर हम ज्ञान पर कार्य कर सकते हैं, ज्ञान किस पर टिका होता है, यानी कि ज्ञान की प्रक्रिया, आखिर हम ज्ञान को किस तरीके से कर सकते हैं या ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान सत्यता पर आधारित होता है या आधारित होना चाहिए, यानी कि ज्ञान हमेशा, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो हम सूचनाएं संग्रहित कर रहे हैं वो सत्य होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो लेना चाह रहे हैं वो हमारे सत्य पर आधारित ना हो। अगर हम ये चाहें कि जो भी ज्ञान ले रहे हैं हमें उसी से संबंधित होना चाहिए, अगर हम बीएड करने जा रहे हैं तो इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बीएड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, बीएड का सिलेबस पढ़ेंगे, हमारी सत्यता है कि हमें हमारी बीएड कंप्लीट करनी है और हमें बीएड का सिलेबस पूरा
करना है, यही हमारी सत्यता है। दूसरा आता है हमारे ज्ञान सत्यता पर विश्वास, सत्यता पर विश्वास अर्थात हम जो सत्यता ले रहे हैं, जो जानकारी ले रहे हैं वो सत्य है, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो जानकारी ले रहे हैं वो जानकारी हमारी सही है। अगर हमें इन जानकारियों पर, उस ज्ञान पर हमें विश्वास नहीं होगा तो हम उस सत्य, हमारा वो जो ज्ञान है वो टॉपिक पूरा नहीं होगा, या हमारे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा कार्य संपन्न नहीं होगा, हमारे पास हमारे कार्य में कहीं ना कहीं उसमें गलती रह जाएगी। अर्थात जो हम ज्ञान की सत्यता है उस सत्यता पर हमें विश्वास होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है ज्ञान, ज्ञान की सत्यता को, सत्यता प्रमाणिक होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, यानी कि हमने सबसे पहले जानकारी प्राप्त की, फिर हमने जानकारी पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में हमारे पास उसका प्रमाण भी होना चाहिए। हमने यहाँ बीएड की सिलेबस पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने बुक्स में पर विश्वास किया, विश्वास करने के बाद में हमारा प्रमाणिकता है कि इस बुक से पढ़ने पर अच्छे नंबर आते हैं, हमें ये वाली बुक यहाँ से पढ़नी चाहिए या इस राइटर की हमें पढ़नी चाहिए। अर्थात यहाँ पर ज्ञान की सत्य की जानकारी ली हमने, यहाँ हमने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में हमने उसको प्रमाणित किया कि मैंने जो पढ़ा है वो सही है, या इस बुक से पढ़ा हुआ हमारा कार्य सही है, तो हमारा जो सत्य है वो इन तीनों आधारों पर टिका हुआ है। यही कहते हैं कि ज्ञान इसी आधार पर कार्य करता है, यानी कि ज्ञान के पहले, ज्ञान प्राप्त करने के इससे पहले हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसकी जो भी सूचनाएं हैं उसे एकत्रित करनी चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान जागरूकता पैदा करता है, जागरूकता उत्सुकता पैदा करता है, उत्सुकता पैदा करता है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो हमें एक हमारे मन में जागरूकता पैदा होती है। अगर हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है तो उस चीज की नॉलेज लेने के लिए हमारे मन में एक भाव पैदा होता है, एक जागरूकता पैदा होती है कि हम इस चीज के बारे में जानकारी हासिल करें। तो कहा जाता है ज्ञान हमारे मन में जागरूकता पैदा करता है, अगर ज्ञान ना हो तो हमारे मन में जागरूकता पैदा नहीं हो सकती और हमें कार्य करने की इच्छा जागृत नहीं होती। अर्थात ज्ञान हमारा जागरूकता है, और ये भी कह सकते हैं हम कि ज्ञान हमारी सूचनाएं हैं, ज्ञान सूचनाएं हैं। हमने देखा है कि ज्ञान को हम अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आज का जो हमारे ज्ञान का रूप देखें तो एक हमारा व्यापक रूप है ज्ञान का, पहले जो हमारा था एक ज्ञान का संकुचित रूप था, जब हमारे आदि मानव जिस क्षेत्र में निवास करते थे उस वक्त हमारा ज्ञान बहुत ही संकुचित था, तभी तो वो जंगलों में रहते हुए अपने जो खाने का तरीका था, पत्थर से आग जलाना या फिर कच्चे फलों को, कच्चे मांस को खाना, लेकिन आज जो है मनुष्य इसने नए नए आविष्कार किए, नए नए उन्होंने प्रगति करी है, उसी के आधार पर हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है वो भी बढ़ता हुआ चला गया। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें बताया गया कि ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्रोत से पहले मैं ज्ञान की प्रकृति के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ज्ञान की प्रकृति अर्थात ज्ञान का नेचर, कि ज्ञान किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो ज्ञान चेतन है, अर्थात जो हमने बताया बुद्धि है, यानी कि हमें चेतन अवस्था कि हमें किस तरह से जागरूक रहना है ये हमारा ज्ञान होता है, यानी ज्ञान हमें चेतन अवस्था में लाता है, ज्ञान हमें जागरूकता प्रदान करता है। सेकंड देखें तो हम ज्ञान हमारी, ज्ञान हमारी, ज्ञान हमारी मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक ज्ञान में मानसिक
प्रक्रिया नहीं होगी तो वो कार्य नहीं हो सकता। मानसिक प्रक्रिया में ही हम मानसिक योग्यता हासिल करते हैं, बुद्धि कि हम किस तरीके से इसको कार्य कर सकते हैं। एक कहा जाता है कि ज्ञान तर्क और शब्द पर आधारित है, अर्थात हमने किस तरीके के तर्क बताए, किस तरीके के तर्क हमने प्रस्तुत किए हैं, क्या हमने वो जो तर्क प्रस्तुत करे हैं वो तर्क हमारे सही है या नहीं। तर्कों को हम जोड़े तो सबसे पहले तर्क हमारे शब्द से जुड़ते हैं। अगर हमारे बोलने का तरीका, हमारा शब्द अगर हमारे सही नहीं होंगे, यानी कि जिस चीज की हम व्याख्या करना चाह रहे हैं तो वो व्याख्या हम उस शब्द और तर्क के माध्यम से सही बता पा रहे हैं या नहीं। अगर हमारे शब्द उस व्याख्या को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो हम जो है हमारा ज्ञान पूर्ण रूप से प्रसारित तो नहीं कर सकते, हम ज्ञान को पूर्ण तरीके से नहीं समझा सकते। अर्थात ज्ञान एक विषय होता है, अगर हमारे पास जो विषय है और वो शब्द हमारे उस विषय के लिए क्लियर नहीं है तो हम उस चीज को नहीं समझा सकते। तीसरा चौथा पॉइंट हम देखें तो ज्ञान ज्ञाता से संबंधित होता है, यानी कि देने वाले से कि देने वाला अपने किस तरीके से ज्ञान को प्रसारित करता है। यहाँ पर ज्ञान जो है वो योग्यता पर, ज्ञाता की योग्यता पर आधारित है कि जो ज्ञाता है वो किस तरीके से ज्ञान को प्रसारित करता है, उसके संप्रेषण प्रभावी है या नहीं, या किस तरीके से वो अपना जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं, विषय लेना चाह रहे हैं, वो उनका क्लियर है या नहीं, किस तरीके से वो अपने विषय को सामान्य जो हमारा टॉपिक है उसको किस तरीके से आगे व्यक्त कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि ज्ञान ज्ञाता से संबंधित होता है, अर्थात वो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ा सकता है या किस तरीके से अपनी बात को क्लियर कर सकता है। पांचवा पॉइंट हम देखें, ज्ञान में भाषा का माध्यम अहम भूमिका निभाता है। जो हमने बताया कि ज्ञाता क्या करेंगे, शब्द बोलेंगे, और शब्द किसके द्वारा, भाषा के माध्यम से। तो ज्ञाता की भाषा कैसी है, किस माध्यम से, अगर हम कहें कि भाषा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चे हैं और जो भाषा हम व्यक्त कर रहे हैं वो हम हिंदी मीडियम की, तो जहां तक हम कहना चाहेंगे कि हमारा ज्ञान प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जो हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट या विद्यार्थी उस चीज को समझ नहीं पाएगा। अर्थात हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिस भाषा में स्टूडेंट उस चीज को ग्रहण करना चाहते हैं उसी भाषा में हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। जिस शब्दों में हम कहें कि हमारे भाषा का माध्यम प्रभावी होना चाहिए कि हम अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रभावी तौर पर उसको प्रसारित कर सके। एक भाषा ही हमारा ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। एक चीज में कहा गया है कि ज्ञान विचार होता है, क्योंकि ज्ञान को जब तक ज्ञान तभी हम प्रसारित कर सकते हैं कि ज्ञान हमारे मन में शब्द में हमारे विचार उत्पन्न करता है, और उन विचारों के माध्यम से जब हम सोचते हैं हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों के माध्यम से हम अपना ज्ञान प्रसारित करते हैं, यानी कि बिना विचार के हम ज्ञान को प्रसारित नहीं कर सकते हैं, बिना विचार के हम ज्ञान को प्रसारित नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञान को जब भी मानस, क्योंकि ज्ञान हमारा मानसिक योग्यता है, और मानसिक योग्यता जब तक हमारे मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो हम उस ज्ञान को प्रसारित नहीं कर सकते। अर्थात ज्ञान को प्रसारित करने के लिए हमारे विचारों का अत्यंत आवश्यक है, हमारे विचार प्रभावी होने चाहिए, भाषा प्रभावित होनी चाहिए, ये सब हमारे ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको जो पढ़ाया है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की प्रकृति, तो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।